लास्ट ईयर पुष्य नक्षत्र पे जो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और आप लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन भी आया। आपने मुझे कमेंट करके बताया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, शुक्रिया आपका बहुत ही ज़्यादा। तो 2023 में पुष्य नक्षत्र हर महीने में कौन सी तारीख को आने वाला, ये तो मैं आपको बताने ही जा रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन लेके आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए इंदू जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदू आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, डेट्स तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। पुष्य नक्षत्र पे चांदी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आप पूरे दिन में कभी भी खरीद सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि यही पर्टिकुलर मुहूर्त में जाके मुझे ये खरीदना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आपसे हो सके उस दिन आप चांदी, हो सके तो एक छोटा सा सिक्का ही आप लेते चले जाइएगा, ठीक है। हर महीने आप पुष्य नक्षत्र पे आपको ये लेना है। अब आपको करना क्या है, आपके घर में जो चावल का डब्बा होता है ना, जिसमें आप मेन स्टोरेज करते हैं, दो तरह के डब्बे होते हैं, एक होता है जिसमें कि आप डेली चावल यूज़ करता हो, एक होता है आपका बड़ा स्टोरेज वाला, तो आप उसके अंदर ये चांदी के सिक्के को दबा देंगे। जिस दिन आप लेके आएंगे उसी दिन आप लाके इसको चावलों में इसको छुपा के रख देंगे। फिर नेक्स्ट महीने आपको क्या करना है, जो सिक्का आपने अंदर डाला था उसको आप निकाल देंगे, इसको आप तिजोरी में जमा कर देंगे, फिर जो नया सिक्का आप नेक्स्ट महीने खरीद के लाएंगे उसको दोबारा आप उसके अंदर डाल देंगे। मान लो आपका एक ही डब्बा है तो कोई बात नहीं, आप उसके अंदर लास्ट में भी इसको दबा के रख सकते हैं। सपोज़ आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो एक अलग से चावल का डब्बा आप अपने कमरे में बना के रख दीजिएगा, उसके अंदर आप इस तरीके से चांदी का सिक्का हर महीने आप डालते चले जाएंगे, इसको रोलिंग करते जाएंगे, यानी कि एक महीना आप दबा के रखेंगे, दूसरे नेक्स्ट महीना आप उसको निकाल के तिजोरी में जमा करते चले जाएंगे। ऐसा आपको पूरा एक साल तक ये करना है। अब इन केस आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद सकते लेकिन फिर भी आपको इसका रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे में मैं आपको जो बताने जा रही हूं इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक अलग से कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक कांच का हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अलग से कंटेनर आप ले लीजिए। घर से ही आपको एक मुट्ठी चावल लेना है, आपके मुट्ठी में जितना आए, ओके, और उसमें आपको जिस भी ईश्वर को, गुरु को आप मानते हैं उनका नाम लेते हुए, वो जो अलग से आपने डब्बा लिया है उसके अंदर आप वो मुट्ठी छोड़ देंगे। पुष्य नक्षत्र वाले दिन आप ये करेंगे। अब इस डब्बे को कहीं पे भी आप अलमारी में छुपा के रख दें, आप ये बोलिएगा कि ये डब्बा, ये जो चावल है, ये मेरे लकी है और ये मेरे जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आकर्षित कर रहा है, मेरा गुड लक बढ़ता चला जा रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, ऐसा बोल के आपको ये अलमारी में रखते चले जाना है। यानी कि हर महीने आप वो एक मुट्ठी चावल लेंगे और वो डब्बे में इकट्ठा करते चले जाएंगे। आप क्या करेंगे, ठीक एक साल बाद, ठीक है, जब दिसंबर में जो पुष्य नक्षत्र आएगा उसके बाद और 31 दिसंबर के बीच में कभी भी उन सभी चावलों को आप लेंगे, तो उसमें से आधे चावल आप क्या करेंगे, आप अपने घर के डब्बे में दबा देंगे, बाकी के आधे चावल को आप क्या करेंगे, पक्षियों को खाने के लिए दे देंगे। आप चाहे तो कच्चे भी दे सकते हैं, आप चाहे तो उनको भिगो के या बना के भी खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अगर ये दोनों उपाय करना चाहते हैं, चांदी वाला ये भी, तो आप दोनों उपाय भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि मैंने अल्टरनेट बताया, लेकिन आप दोनों उपाय भी कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपको लगता है कि एक साल तक इस चावल को आप नहीं रख पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इसको 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में भी रोलिंग कर सकते हैं। वही तरीका, चावलों को दो हिस्सों में आप करेंगे, आधा आप अपने घर के चावलों में मिक्स कर देंगे और बाकी के आधे आप पक्षियों को खाने के लिए दे देंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डेट्स जो कि 2023 में आने वाली हैं। पहला पुष्य नक्षत्र आ रहा है 8 जनवरी, उसके बाद 5 फरवरी, 4 मार्च, 28 अप्रैल, 25 मई, 21 जून, 18 जुलाई, 15 अगस्त, 11 सितंबर, 8 अक्टूबर, 5 नवंबर और 2 दिसंबर। तो आई होप आपने ये डेट्स नोट कर ली और इस वीडियो को भी डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा ताकि हर महीने आपको दिक्कत नहीं हो इस वीडियो को सर्च कैसे करें। नहीं तो और एक तरीका आपको बता देती हूँ, इनकेस आप सेव नहीं कर पाए, डाउनलोड नहीं कर पाए, तो आप सर्च कीजिएगा पुष्य नक्षत्र 2023 इंदू जी के रेमेडीज़ या पुष्य नक्षत्र 2023 इंदू आहूजा। इतना भी अगर आपने लिख लिया, यूट्यूब पे जाके सर्च किया, तो ये आपको वीडियो दोबारा से मिल जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और
आसानी से आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। आपके वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त होगी। अगर इस तरह के आप और वीडियोज़ देखना चाहते हो, आप मंत्रस भी अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार। आई विश यू ऑल द बेस्ट।